जब से सीरिया की राजधानी में ईरानी दूतावास पर हमला हुआ है, तब से अटकलें लगाई जा रही हैं कि ईरान इस दिन इसराइल से अपना बदला चुका सकता है। दरअसल इसराइल के खिलाफ प्रतिशोध की आग में झुलस रहे ईरान के लिए हालिया हमला उसके मान सम्मान और प्रतिष्ठान पर बड़ी चोट की तरह है। ईरान ने इस हमले के पीछे इसराइल का हाथ मानते हुए कड़ी चेतावनी भी दी है कि उसे नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन इसराइल ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि ऐसा दावा है कि ईरानी दूतावास पर इसराइल ने ही हमला किया है। अब इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर की माने तो इसराइली सैन्य अधिकारियों को उम्मीद है कि 12 अप्रैल के बाद सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया सामने आएगी। माना जा रहा है कि ईरान रमजान के पवित्र महीने के चलते फिलहाल शांत बैठा है, मगर इसराइली सेना इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि ईरान की ओर जवाबी कार्रवाई जल्द ही आ सकती है। अब रमजान का महीना पूरा हो गया है, ऐसे में अटकलों का बाजार भी बेहद गर्म हो गया है। बताया जा रहा है कि इसराइल ने ईरान के संभावित हमले की तैयारी भी शुरू कर दी है। मालूम हो कि दूतावास पर हमले के बाद से तिलमिलाए ईरानी नेता साफ शब्दों में धमकी दे चुके हैं कि हमले की जगह और तारीख हम तय करेंगे, इसराइल को बर्बाद करके रहेंगे, इसराइल के मुंह पर तमाचा मार कर रहेंगे। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि ईरान के हमले में सैन्य ठिकानों या सामरिक महत्व रखने वाली इमारतों या फिर रणनीति संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ईरान नागरिक स्थलों को भी निशाना बनाकर इसराइल पर भयंकर दबाव बना सकता है। द टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट की माने तो इसराइली खेमा ईरान की ओर से संचालित प्रॉक्सी वॉर के लिए मुस्तैदी से तैयार बनाया जा रहा है। साथ ही ईरान से होने वाले सीधे हमले की संभावना को भी फिलहाल नजरअंदाज करने के मूड में नहीं दिख रहा है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा था कि ईरान को लेकर पैदा होने वाले किसी भी संभावित हालात की प्रतिक्रिया के लिए तैयारी पूरी कर ली है। अगर ईरान ने अपनी धरती से हमला किया तो इजरायल ईरानी सीमा में घुसकर जवाबी हमला करेगा। गौरतलब है कि इजरायल की ये प्रतिक्रिया ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के हालिया चेतावनी के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सीरिया की राजधानी में ईरानी दूतावास की इमारत पर कथित रूप से हमला करके इसराइल को दंडित किया जाएगा। दूतावास पर बमबारी करके इसराइल ने हमारे इलाके पर हमला किया है। इसके अलावा इसराइली रक्षा मंत्री ने बताया कि इस युद्ध में हम पर एक से अधिक मोर्चों से अलग अलग दिशाओं से हमला किया जा रहा है। कोई भी दुश्मन जो हम पर हमला करने की कोशिश करेगा उसका सबसे पहले मजबूती से बचाव किया जाएगा। इजरायली प्रतिक्रिया बहुत प्रभावी, बहुत शक्तिशाली होगी। जिन चीजों से हम सालों से विशेषज्ञता हासिल कर रहे हैं उसमें से एक यह है कि दुश्मन को कभी पता नहीं चलता कि हम उसके लिए क्या हैरान कर देने वाला जवाब तैयार कर रहे हैं। इजरायल रक्षा बलों के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने CNN को बताया कि इजरायली सेना के आंकड़ों की माने तो हमले में ईरान के वाणिज्य दूतावास को नहीं बल्कि एक IRGC सैन्य सुविधा को निशाना बनाया था, जिसके बारे में इजरायल का दावा था कि यह केवल एक नागरिक इमारत के रूप में छिपा हुआ था। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाला वक्त मिडिल ईस्ट के भविष्य की तस्वीर तय करेगा।